Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal Classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter 3, Discovering the Tut. तो आज हम डिस्कवरिंग द टट्स के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट इज किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी. यानी जो किंग टट थे उसकी बॉडी को बार बार परीक्षण क्यों किया गया. जब किंग की बॉडी को बरिड यानी दबा दिया गया था तो तब उनकी बॉडी पे बार बार परीक्षण क्यों हो रहा था. आंसर इज द मम्मी ऑफ किंग टट वॉज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड बिकॉज ही वॉज बरिड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड ट्रेजर. तो जो मम्मी थी किसकी, टट्स की यानी किंग की, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी वर्ल्ड में क्योंकि उनको जब दबाया गया था तो उनकी बॉडी के साथ बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारे ट्रेजर यानी बहुत सारे सोना और खजाना भी उनकी बॉडी के साथ दबाया गया था. पीपल वर ऑल्सो क्यूरियस टू नो द मैनर ऑफ हिज डेथ एंड वट वॉज हिज एज वेन ही डेड. तो लोगों को ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि उनकी डेथ यानी टट की डेथ कैसे हुई थी और उस टाइम उनकी क्या एज थी, उनको क्यों दबाया गया था. हैंस किंग टट बॉडी वो हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी. इसीलिए बार बार किंग की बॉडी का क्या किया गया, परीक्षण किया गया. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड. हार्वर्ड कार्टर के जो इन्वेस्टिगेशन से लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा था, मतलब क्या रीज़न था कि हार्वर्ड कार्टर जब भी किंग टट्स के क्या कर रहे थे, उनका इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो लोगों को गुस्सा आ रहा था उनके इन्वेस्टिगेट में. आंसर इज हार्वर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड बिकॉज ही यूज अनसाइंटिफिक मैथड एंड इलीगल वेज. क्योंकि जो हार्वर्ड साइंटिफिक मेथड से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे, वो अनसाइंटिफिक मेथड से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. कौन, हार्वर्ड कार्टर. और इलीगल वे से उसको रिसर्च कर रहे थे. कौन, हार्वर्ड कार्टर. ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. और जो हार्वर्ड कार्टर है वो क्या कर रहे थे, उनका ज़्यादा ध्यान किस में था, ज़्यादा ध्यान उनका गोल्ड में, ट्रेजर में यानी सोने में और खजाने में था. कौन सा सोना और खजाना, जो टट की बॉडी के साथ बरिड किया गया था. और ना कि उनको कल्चरल और हिस्टोरिकल से कुछ भी लेना नहीं था, सिर्फ वो उनका ज़्यादा फोकस किस में हो रहा था, ट्रेजर में. तो इसीलिए लोगों को क्या हो रहा था, हार्वर्ड कार्टर के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिफाइड रिसाइंस टू रेज द किंग्स रिमेन्स. कार्टर को चीजल का, चीजल क्या होता है, चीजल एक डिवाइस होता है यानी ऐसे बोलो कि एक खुरपी टाइप की होती है जिससे हम किसी चीज़ को खोद देते हैं, किसी चीज़ को खरोचने के काम आती है. तो उस डिवाइस का उनको यूज़ क्यों करना पड़ा, किसको, हार्वर्ड कार्टर को. किसकी बॉडी में, किंग टट्स की बॉडी में. आंसर इज व्हेन कार्टर वाज इन्वेस्टिगेटिंग द टट्स मम्मी ही फाउंड दैट टट्स बॉडी वाज ग्लूड टू बॉटम ऑफ हिज कॉफिन. तो जब कार्टर ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने देखा कि जो टट्स की बॉडी है जो कि कॉफिन के अंदर थी वो चिपकी हुई है, यानी टट्स की बॉडी कॉफिन में चिपक चुकी है और उसकी को बॉडी से वो जो कॉफिन के अंदर थी वो बॉडी वो बाहर नहीं आ पा रही है. फिर क्या हुआ, फिर इवन आफ्टर कीपिंग द मम्मी इन सन रेज द ग्लू डिड नॉट मेल्ट सो कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड रिसाइंस टू रेज द किंग्स रिमेन. फिर कार्टर ने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, सन रेज पड़ रही है जहाँ पे वो कॉफिन था. तो उन्होंने ये सोचा कि धूप की किरणों से शायद वो बॉडी पे जो ग्लू जमा हुआ है कॉफिन और बॉडी पे, वो ग्लू शायद पिघल जाए. बट ऐसा नहीं हुआ, किसकी बॉडी के साथ, टट की बॉडी से, और वो बाहर नहीं आ पाई. तो इसीलिए कार्टर ने क्या किया, वो डिवाइस लिया जिस डिवाइस को चीजल बोलते हैं और उस चीजल का यूज़ किया जिससे वो खुरुच खुरुच कर क्या कर सके, बॉडी को बाहर निकाल सके. क्यों, क्योंकि बॉडी और कॉफिन दोनों चिपक चुके थे और बॉडी कॉफिन से बाहर ही नहीं आ रही थी, इसीलिए कार्टर ने चीजल वाली डिवाइस का यूज़ किया कि उसको खुरुच कर वो बॉडी को बाहर निकाले. नाउ क्वेश्चन नंबर
फोर्थ क्या है? फोर्थ इज टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद ग्लीरी ट्रेजर. जो टट्स के शरीर जो थी, मतलब टट्स की जो बॉडी थी, उस बॉडी के साथ क्या बहुत सारी चमकदार वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, खजाना, ये दबाया गया था. तो ऐसा क्यों हुआ था? आंसर इज द रॉयल्स ऑफ द एंशियंट इजिप्ट वर वेरी रिच. दे बिलीव दैट द ग्लीडेड ट्रेजर एंड अदर सच वैल्यूबल गारंटीड रिजरेक्शन. यानी पुराने इजिप्ट के जो राजघराने के लोग थे वो बहुत ज़्यादा धनी होते थे. उनका मानना था कि जितनी भी चमकदार वस्तुएं, चाहे वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात या खजाना है, अगर उनको शरीर के साथ दबाया जाएगा, शरीर के साथ कब? जब किसी की डेथ हो जाए तो उसको दोबारा जन्म मिलेगा. दे बिलीव दैट द डेड वुड टेक देयर रिचेस बियॉन्ड लाइफ, सो टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद ग्लीडेड ट्रेजर. और उनका दूसरा मानना ये था, दूसरा विश्वास ये था इजिप्ट के लोगों का, कि जो डेड पीपल होते हैं, जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं, वो अगर उनके साथ ये सारी चीज़ें भी बरीड की जाए, दबाई जाए, तो उनको दूसरी लाइफ में भी क्या होगी, वो दूसरी, मतलब जब उनको दूसरा जीवन मिलेगा तब वो रिच होंगे. तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, बॉडी के साथ ग्लीडेड ट्रेजर यानी चमकदार वस्तुएं या खजाने दबा देते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटनखाटन टू टूटनखामुन. टूटनखाटन ने अपना नाम टूटनखामुन क्यों रखा था? तो आंसर इज Tutankhamun means living image of Amun. He was a major god in ancient Egypt. तो जो आमुन थे वो कौन थे? वो ancient Egypt के god थे. King Amenhotep smashed the image of Amun and closed his temple. Tut oversaw a restoration of the old ways. He also changed his name to express his belief on Amun. तो उन लोगों ने, उन्होंने क्या कर दिया, बहुत आमुन की और जो वहाँ पे temples से उनको क्या कर दिया, उन्होंने smash कर दिया, तबाह कर दिया, तोड़ दिया. तो इसके वजह से उन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया. टूटनखाटन से उन्होंने अपना नाम टूटनखामुन रख दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डीड्स दैट ले रे जॉनसन टू डिस्क्राइब आखिंटन एज विकी. ऐसे कौन से कारण है कि रे जैक्सन ने आखिंटन को विकी, विकी मतलब थोड़ा विकी मतलब जैसे पागल टाइप का, क्यों कहा? आंसर इज Akhenaten was a firm believer of God eaten in the example in the sun. जो Akhenaten थे वो क्या थे, उनको किस में बिलीव था? उनको बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव था. कौन से गॉड में? एटन. और एटन किस को रिप्रेजेंट करते हैं? सन को रिप्रेजेंट करते हैं. ही स्मैश द इमेज ऑफ आमून अ मेजर गॉड एंड क्लोज द टेम्पल. उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोलते हैं, गॉड की पिक्चरों को स्मैश कर दी और मंदिरों को बंद कर दिए. दीज डेड रे जैक्सन टू डिस्क्राइब आखिंटन एज वैकी. इसीलिए रे जैक्सन ने उनको क्या कहा, पागल कहा, कि जब वो टेम्पल को बंद कर रहे हैं, इमेजेस स्मैश कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने Akhenaten को क्या कहा था, वैकी कहा था. किसने कहा था? रे जॉनसन ने कहा था. नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ सिटी स्कैन. यानी सिटी स्कैन आप सबको पता होगा, सिटी स्कैन वो होता है एक जिसमें पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम है. तो सिटी स्कैन का क्या परिणाम निकला जब किंग की बॉडी को सिटी करने के लिए भेजा गया था? आंसर इज द सिटी स्कैन प्रोवाइडेड क्लियर डिटेल ऑफ फर्स्ट नेक वर्टीब्रे. यानी सबसे पहले तो उनका क्या किया, उनका जो नेक था उस नेक को देखा गया किंग टट की बॉडी का. सेकंड टट हैड फ्रॉम एवरी एंगल, हर एंगल से सिटी स्कैन लिया गया, मतलब टट की किसका, सर का भी. थर्ड टट्स हैंड एंड सेवरल व्यूज ऑफ हिज रिब केज. जो रिब केज होती है यानी जो पसलियां होती हैं उसको भी कई प्रकार से व्यू किया उन्होंने सिटी स्कैन के द्वारा. और ट्रांजेक्शन
ऑफ हिज स्कल, और स्कल का भी उन्होंने सिटी स्कैन किया। तो कुल मिलाकर उन्होंने इन सारी चीज़ों का सिटी स्कैन किया। हाँ, और हालांकि यह भी निकला कि उनकी बॉडी में कुछ भी खामियां नहीं थी सिटी स्कैन निकलने के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। लिस्ट बनाओ ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने हमारी फॉरेंसिक एक एनालिसिस को, यानी चीज़ों को क्या कर दिया है, इम्प्रूव्ड कर दिया है। आंसर इज द टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस आर, कौन कौन से हैं वो लिस्ट, जैसे सिटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, इन्होंने हमारी फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी है जो ये है उनको क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया। इससे हम किसी भी बीमारी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी वो टेक्नोलॉजी है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू स्कैन इन डेथ एज इन अ लाइफ। हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है किस स्टेटमेंट को, कि जो किंग टट था वो फर्स्ट ममी था जब उसको स्कैन किया गया था। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है कि जो किंग टट है वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा फेमस भी थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तभी भी वो ज़्यादा फेमस थे। तो आप उस बात की पुष्टि करिए, यानी एक्सप्लेन करिए क्यों, क्योंकि उनका फर्स्ट स्कैन भी किसका हुआ था, किंग टट का हुआ था। आंसर इज किंग टट मम्मी वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द एक्सरे बाई सिटी स्कैन मशीन। तो जो किंग टट थे वो पहली मम्मी थी जिनको पहली बार, या कहो कि पहला उनका क्या हुआ था, सिटी स्कैन हुआ था किंग टट का, अमंग ऑल दी ममीज, जो कि इतनी सारी ममीज भी थी। व्हेन ही वाज अलाइव ही वाज अहेड ऑफ हिज प्रेडेसर, दस इन अ डेथ एज वेल एज इन लाइफ टट मूव्ड रियली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। यानी साइंटिफिक लोगों ने सबसे पहले किसकी रिसर्च की थी, किंग टट की थी, और उनका सिटी स्कैन किया था। जब टट जिंदा थे तब भी वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और अपने पूर्वजों से बहुत ज़्यादा आगे थे जब वो ज़िंदा थे, और जब वो मर गए तभी भी वो बहुत ज़्यादा आगे हुए। क्यों आगे हुए? क्योंकि उनकी बॉडी को ही सबसे पहले कहाँ भेजा गया, सिटी स्कैन करने के लिए गया भेजा गया। तो ये थे क्वेश्चन आंसर डिस्कवरिंग द टट चैप्टर के। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। तो वी कम टू एंड दिस क्वेश्चन आंसर, thanking you watching for this video, and if you like the video do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.